लगातार इस आयोजन पर भी नजर बनी हुई है। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ में बढ़ सकती है धान खरीदी की तारीख। सीएम विष्णुदेव साय ने इस तरह के संकेत दिए हैं। अभी दरअसल 31 जनवरी धान खरीदी की आखिरी तारीख है। आज सीएम ने तारीख बढ़ाने के संकेत दिए हैं, तो यह माना जा रहा है कि आज शाम तक इस बात का ऐलान किया जा सकता है। रायपुर में लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने इस बात के संकेत दिए। डेढ़ महीना हुआ है सरकार का, और मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है। संग्राम वर्मा जी बता रहे थे, चाहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्र में बनाने का निर्णय लिए हैं, 2 साल का बोनस 3716 करोड़ रुपया 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में भेजे हैं, पीएससी घोटाला का जांच सीबीआई को सौंपे हैं, 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत देंगे, और बम्फर धान की खरीदी हम लोगों का लक्ष्य था 1,30,000 मैट्रिक टन, आज की तारीख में 1,24,000 मैट्रिक टन धान खरीद चुके हैं, और अभी कल बाकी है समय, और ये डिमांड आ रहा है, बहुत किसान धान बेच भी नहीं पाए, समय बढ़ाने का आग्रह भी हो रहा है, तो हमको लगता है कि 1,50,000 मीट्रिक टन धान की कॉम्फर्ट खरीदी इस बार हो जाएगी, शाम तक कर ले। इधर कांग्रेस ने खरीदी की तारीख बढ़ाने की घोषणा का स्वागत किया है। कांग्रेस के संचार अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस और किसानों की मांग का सरकार पर दबाव था, खरीदी की तारीख बढ़ाने से किसानों को फायदा होगा। निश्चित तौर पे अभी तक लगभग 5.5 लाख से अधिक किसानों ने अपना धान नहीं बेचा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी बार बार मांग कर रही थी कि धान खरीदी की तारीख बढ़ाई जाए, भले मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया था, अंततः कांग्रेस के दबाव में आके और किसानों के दबाव में आकर उन्होंने तारीख बढ़ाने की घोषणा की है। देर आए दुरुस्त है, हम उसका स्वागत करते हैं, साथ ही हम यह भी मांग करते हैं कि